बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अलीजियम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज डोदरा। आई एम मिसेस शाजी असगर, टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। क्लास सेकेंड ईयर हम स्टार्ट कर चुके हैं रूल्स फॉर द करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पहले नाउन का करेक्ट यूज़, प्रोनाउन का करेक्ट यूज़ और एडजेक्टिव का करेक्ट यूज़ सीख चुके हैं, जिससे साथ हम इस काबिल हो गए हैं कि अगर हमें चार सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो वी कैन चूज द करेक्ट वन सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट नाउन, करेक्ट प्रोनाउन एंड करेक्ट एडजेक्टिव। टुडे इट्स वर्ब। टुडे वर्ब की हमने करेक्ट यूज सीखना है रूल्स के साथ, और बहुत इजी रूल हैं, सबसे इजी मेरा ख्याल इसी के रूल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर क्लास। वर्ब का हमारा लेक्चर है द वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब आप पहले पढ़ चुके, वर्ब किसको कहते हैं? डूइंग थिंग को, एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को हम वर्ब कहते हैं। इसके बारे में आपको बहुत सारा कुछ पता है, स्लीप है, वॉक, टॉक, रीड, राइट एट्सेट्रा। तो ये वर्ब हम पहले से कर चुके हैं। आइए हम रूल्स करते हैं कि कौन से रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए सेंटेंस को जज कर पाएंगे कि इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट। रूल नंबर वन, नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद सख्ती से आपने प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी। हाँ, अगर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज में आ जाते हैं या idiom में आ जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप सिंपली उसको बतौर ट्रू वर्ब के यूज़ करोगे तो उसके बाद आपने प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करनी है। वो कौन से हैं? लव, आई लव माई बेबी, हेट, आई डोंट हेट एनी वन, मैरी, सलमा वॉन्ट्स टू मैरी असगर, रीच, वी रीच द स्टेशन, रिजेंबल, माई डॉटर रिजेंबल्स मी, अफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज द सक्सेस, कंट्रोल, आई हैव अ कंट्रोल ऑन माई, आई हैव नो कंट्रोल, दिस कार हैज़ लॉस्ट द कंट्रोल, दिस कार हैज़ लॉस्ट द कंट्रोल, नो यूज, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, आस्क, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, ही आस्क मी अ क्वेश्चन, आस्क के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगी, रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम, ही रिक्वेस्टेड मी, टेल, Let me tell you something. Ordered, I ordered a pizza from bazaar. Resigned, he resigned. Sign, he made a sign on the notebook. Attack, enemy attacked. Inform, please inform me. Discuss, I want to discuss something with you. ये वो prepositions हैं, ये वो verbs हैं जिनके बाद आपने कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी है। मैं फिर आपको बताती जाऊँ, जब आप इसको ट्रू वर्ब की सेंस में यूज़ करोगे तो आपने प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। हाँ, अगर वो इडियमेटिक या फ्रेजल वर्ब बन जाता है तो फिर आप उसके ऊपर लगाओगे। जैसे मैंने कहा, द इफेक्ट ऑफ हार्डवर्क इज़ द सक्सेस, तो इफेक्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब बन गया। जब वो फ्रेजल वर्ब बन गया तो फिर तो वो पूरी फ्रेज के तौर पर पूरा ही यूज़ आ रहा। जब आप इसको सेपरेट वर्ब में लगाओगे तो फिर आपने इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, शी रिजेंबल्स टू हर डॉटर, तो यहाँ पर टू का लगाना गलत है, शी रिजेंबल्स हर डॉटर, वो अपनी बीवी, अपनी बेटी से मुशाबत रखती है, अपनी माँ से। अली इन्फॉर्म टू असलम, अली इन्फॉर्म्ड असलम, अली ने इस्लम को इतला दी। मदर लव्स टू हर बेबी, मदर लव्स हर बेबी, यानी किसी भी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं, इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगती है। आपने ये वर्ड्स याद करने हैं, रेड लाइन देन ग्रीन लाइन देन रेड लाइन, थ्री लाइन्स में मैंने इनको लिखा है सेपरेट करके। अगर सिर्फ ये ट्रू वर्ब के सेंस में यूज़ होंगे तो इनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। हाँ, अगर ये फ्रेजल वर्ब बन गए हैं तो हम फ्रेजल वर्ब की हेडिंग से सेपरेटली इसको डिस्कस कर लेंगे। आइए चलते हैं रूल नंबर टू की तरफ। रूल नंबर टू है, रिफ्लेक्सिव नाउन इज यूज आफ्टर दीज वर्ब। रिफ्लेक्सिव कहते हैं सेल्फ फॉर्म वाले, जैसे आई माई सेल्फ प्रिपेयर द डिश, ही हिमसेल्फ रोट द एसे एट्सेट्रा। तो जहाँ सेल्फ फॉर्म लग जाती है इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई, वी, आवर, यू, ही, शी, दे, इट, एट्सेट्रा, इनके साथ जब सेल्फ फॉर्म लग जाती है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। आप याद रखिएगा कि कुछ वर्ब रहते हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर यूज़ करना है, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो ये गलत होगा। अवेल, वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एबसेंट, आई एबसेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द स्कूल। इक्विट, ही इक्विटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रीटी। He resigned himself from the services. Avenge, he took revenge on himself. Enjoy, we enjoy ourselves. Apply, I applied myself for the job.
एटसेट्रा, वो इंजॉयड आवर सेल्फ लगेगा, वो इंजॉयड खाली ख़त्म हो जाएगा। तो ये कॉमन लैंग्वेज में स्पोकन इंग्लिश में तो ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत होगा, क्योंकि इंजॉय ऐसा वर्ब है जिसके साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। अवेल ऐसा वर्ब है जिसके साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने उस मौके से फ़ायदा उठाया। लेकिन हिमसेल्फ हमने इसलिए लगाया कि ये अवेल ऐसा वर्ब है जिसके साथ लाजमी लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने खुद इस मौके से फ़ायदा उठाया। नाउ रूल नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड विद दीज वर्ब्स। ऊपर वाले जो वर्ब्स हैं रेड लाइन में लिखे हैं, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी यूज होना है, और ये वाले जो प्रोनाउन लिखे हैं नीचे, इनके बाद आपने प्रोनाउन यूज नहीं करना है। वो कौन से हैं? कीप, कीप अप स्पिरिट्स, ब्रेक, ही अप्लाइड द ब्रेक, उसने ब्रेक लगाई, हिमसेल्फ नहीं लगेगा। बैथ, ही हैड टेकन अ बाथ। ओपन, ही ओपन द डोर। स्प्रेड, she spread a sheet. Turn, please turn the camera to the right. Draw, I draw a map. Rest, I am taking rest. Enlist, please enlist the items into the on the paper. Gather, we gathered at a meeting. ठीक है, I hid in a cave. Feed, mother feed her baby. यहाँ के reflexive pronoun किसी के साथ भी use नहीं होना है। सेपरेटली आप याद करोगे, ये रेड वाले सारे वो वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर यूज़ होना है। और अगले रूल में ग्रीन लाइंस के साथ मैंने वो वर्ब लिखे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रूल नंबर 3 वाले वर्ब्स के साथ यूज़ होना है, रूल नंबर 2 वाले वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होना है, और रूल नंबर 3 के जो वर्ब दिए गए हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना है। नंबर 4, यूज़ बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर दीज वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अब आपको इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव का पता है। इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू रीड, टू राइट, टू गो एटसेट्रा। और बेयर इन्फिनिटिव 2 को अगर हटा दिया जाए, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रह जाए, बेयर रह जाए, इन्फिनिटिव, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये इस लाइन में, दो लाइन में, ये वो वर्ब है जिनके साथ आपने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है। आसान अल्फाज में अगर हम ऐसे कहें कि इन वर्ब्स के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, 2 नहीं लगाना है। ये वो वर्ब हैं जिनके बाद आपने 2 नहीं लगाना है, सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। बिड, ही बिड मी गो। लेट, आई लेट यू राइट। हेयर, लेट मी हेयर। नोटिस, आई टेक द नोटिस। हैव, मेक, टीचर मेक मी स्टैंड। नीड, डियर, हैड बेटर, वॉच। हैड बेटर आपको याद होगा कि वर्ब एक्सरसाइज में मैं बार बार कहती हूँ। ही हैड बेटर कंसल्ट मी। हैड के साथ अगर हम खाली इसको वर्ब के तौर पर हैड लें तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, लेकिन हैड बेटर पूरा वर्ब है, इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगनी है, 2 के बगैर फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगनी है। बी होल्ड, ऑब्जर्व, सी, फील, बट, रेदर, देन, एक्सपेक्ट। इनकी एग्जाम्पल्स मैंने थोड़े से कॉर्मेलिटी, टीचर मेक मी स्टैंड, टीचर मेड मी स्टैंड, टीचर मेड मी टू स्टैंड नहीं लगना, ये एब्सोल्युटली गलत होगा अगर आप मेड के बाद 2 लगाओगे, क्योंकि ये मेड वो वर्ब है जिसके बाद आपने बेयर इन्फिनिटिव लगाना है, मतलब ये कि 2 के बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, मेड और स्टैंड। ही बेड अस गो, 2 गो नहीं लगाएंगे, ही बेड उसने मना किया, अस हमें टू गो, 2 नहीं लगाएंगे, गो, ही बेड अस गो, उसने हमें जाने से मना किया। अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हो तो दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। कॉमन लैंग्वेज में, फॉर्मल इनफॉर्मल में, स्पोकन में तो शायद 2 चल जाता होगा, लेकिन ग्रामेटिकली आपने ये वर्ब्स याद करने हैं, इनके बाद लाजमी बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, बेयर इन्फिनिटिव के सिवा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप 2 लगा के फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाओगे तो दैट विल बी द रॉन्ग सेंटेंस। रूल नंबर 5, यूज़ एज आफ्टर दीज वर्ब्स। कुछ वर्ब्स रहते हैं जिसके बाद आपने वर्ड एज यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं ना कि डिफाइन करें, तो आप कहेंगे वर्ब इज़ डिफाइंड एज द वर्ड विच इज़ यूज फॉर एक्शन, ही पोर्ट्रे एज ही इज़ अ कारपेंटर एटसेट्रा। तो इनके बाद, इन वर्ब्स के बाद एज लाजमी लगेगा, याद रखिएगा। रिगार्ड, एलिजियम इज रिगार्डेड एट द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लोधरा। रिप्रेजेंट,
he is represented as the higher authority. Portrait, Aslam portrayed himself as a painter. He depicted as he is a poor man. Defined, school is defined as a place where we study. Mention, Elysium is mentioned as the best institute of Lodra. Describe, he described me as his teacher. ट्रीट ही ट्रीटेड मी एज वी आई पी गेस्ट एट्सेट्रा. तो ये 5 रूल्स हैं, आपने इनको बड़े गौर से याद करना है. फिलहाल हमने वर्ब की डेफिनेशन की. रूल नंबर 1 में हमने ये पढ़ा कि इन वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगेगी. अगर आप लगाते हो तो ये गलत होगा. रूल नंबर 2 के बाद हमने पढ़ा कि ये वो वर्ब्स हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी यूज़ होना है. अगर आप नहीं करोगे तो गलत होगा. रूल नंबर 3 में हमने उन वर्ब्स के बारे में पढ़ा जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सूरत में यूज़ नहीं होना है. रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा कि ये वो वर्ब्स हैं जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, इन 2 के बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और रूल नंबर 5 में हमने उन वर्ब्स के बारे में पढ़ा जिसके साथ वर्ड एज लाजमी लगेगा. ये 5 रूल्स हैं, इनको अच्छे से याद कीजिएगा. पेपर के अंदर मैं बाकायदा क्वेश्चन दूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग रूल पढ़ेंगे वर्ब के बारे में. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.